तेजस की खास बात है, यह बहुत ही हल्का और कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि यह 1.6 मेक की स्पीड से उड़ता है। साथ ही इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ काफी कम क्षेत्र में कर सकता है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये सभी मौसम में काम करने के लिए अनुकूल है, जो कि तेजस को और घातक बनाता है। बीते मार्च में जब दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों की लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट में भारत पहले नंबर पर था। साल 2017 से 2021 के दौरान भारत की हथियारों के आयात में 11% हिस्सेदारी थी, लेकिन इस लिस्ट में एक खास बात यह थी, इन 4 साल में हथियारों के आयात में सबसे ज्यादा कमी भारत से हुई थी। साफ था कि भारत का फोकस मेड इन इंडिया पर बढ़ गया था और अब रक्षा मंत्री ने भारत की स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर जो बयान दिया है उससे यह उम्मीद ज्यादा जग गई है कि तेजस दुनिया में रक्षा बाजार में भारत को एक नई पहचान देगा। मलेशिया, अमेरिका सहित इन देशों ने भी दिखाई दिलचस्पी। रक्षा मंत्री ने संसद में बताया कि मलेशिया के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अर्जेंटीना भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस विमान बेचने की पेशकश की है। HAL द्वारा निर्मित तेजस एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और यह साउंड की स्पीड से तेज उड़ता है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान खरीदने का करार HAL से किया था। यह करार फरवरी 2022 में 48,000 करोड़ में हुआ था। आप सोचते हो कि क्यों है मांग तेजस की। तेजस एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपने समकक्ष एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। HAL जहां भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 2 सीट वाला ट्रेनर विमान बनाती है, तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा और सबसे स्मार्ट फाइटर जेट है। जब बात दुश्मनों के मुकाबले की हो तो यह अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा सकता है और तेजस की इन्हीं खासियत के कारण आज सुपर पावर अमेरिका भी तेजस खरीदना चाहता है। तेजस की 4 सबसे बड़ी खूबी हैं। पहली, इस विमान के 50% कल पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरी, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इसराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 टारगेट को एक साथ ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। चौथा, यह फाइटर जेट सबसे हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह आसमान या जमीन से किए गए हमले से विमान को बचाता है। इसमें एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ठिकाने को पहचान कर तबाह करने में सक्षम है। दूरी ज्यादा होने पर भी इसके टारगेट में कोई कमी नहीं आती। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है। और बात करते हैं हथियार के मामले में, इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती है। लेजर गाइडेड बम, गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इसलिए इतनी सारी खूबियों को देखते हुए अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने इसको खरीदने में रुचि दिखाई है।